अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको वेलकम करते हैं मेरे इस चैनल पे। मेरा गांव का नाम युगू है और हमारा गांव है गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो की साइड पे, सियाचिन बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। और हमारा गांव जहां पे है ना, वहां से जो रोड गुजरते हैं वो लद्दाख रोड कहता है। और यहां पे जो है ना, आप मेरी टोपी कोट से समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी है, -15 तक जा चुके हैं। और यहां पे जो दरिया का पानी है ना, नाले का जो पानी है वो बर्फ़ बन के जम चुका है अब, और पानी के लिए भी मसला हो रहा है। और सर्दी जो है ना बहुत यख है। सारे देखें दरख्तों से जो है ना पत्ते नीचे गिर चुके हैं। अभी मैं अपने गांव के नाले की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना बर्फ़ कैसे जम गए हैं, और चलता हुआ पानी जो है ना वो बर्फ़ जम चुका है। गर्मियों में जो है ना ये सारे सरसवस होते हैं। और यहाँ पे जो खुबानी है, अच्छा ये जो सेब है, इनके पे जो है ना खुबानी और सेब आ जाते हैं। अभी धूप भी जो है ना हमारे गांव के गांव तक नहीं पहुँचे हैं, अभी भी ऊपर पहाड़ों की साइड पे हैं। और यहाँ से मैंने गुजरना है, ये देखें जगह, छोटे छोटे जगह बने हुए हैं, यहीं से गुजरना होते। और बैल बकरियों को जो है ना अब आज़ाद छोड़ दिया गया है, क्योंकि कहीं पर जो है ना लोगों ने सब्जियां वगैरह लगा के नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस मौसम में जो है ना यहाँ पे कुछ आते भी नहीं है। जो भी सरसवस चीज़ें हैं ना वो सारे सूख के नीचे गिरना शुरू होते हैं। ओए सर्दी जो है ना बहुत तेज़ है यहाँ पे, बहुत तेज़ सर्दी है। स्कर्दो से जो है ना तकरीबन 25 स्कर्दो से 75 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। और मैं अभी अपने गांव के नाले की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए एक टाइम पे जो है ना ये वाला जो वो है, यहाँ से भी पानी गुजरता था, लेकिन अभी सारे बर्फ़ बन के जम चुके हैं। बकरियाँ देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे छोटे छोटे बकरियाँ होते हैं। देखिए अभी मैं अपने गांव के नाले में पहुंच चुका हूं। और यहां पे देखें, ओए होए होए होए, नीचे से पानी जा रहे, लेकिन ऊपर देखें सारा बर्फ़ बन चुका है। और खूबसूरती देखें बर्फ़ की, ओए होए होए होए। अभी ये बर्फ़ जो है ना बहुत ज़्यादा मज़बूत है। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर जाके इसके ऊपर पाँव रख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ऊपर से भी पानी आ रहे, नीचे से भी पानी जा रहे। गर्मियों में जो है ना ये पूरा जो ये वाला सेंटर का जगह है, ये पूरा जो है ना पानी भर जाता है, मतलब भर के पानी आते हैं। लेकिन अभी देखें सर्दी की वजह से जो है ना, जितना आप ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा आपको बर्फ़ नज़र आएगा। ये तो गांव के अंदर का हिस्सा है। अभी इस पर मैं आता हूँ, ये देखिए ये पूरा बर्फ है, देखिए बिल्कुल मजबूत बर्फ है। इसे मैं पत्थर भी मारूंगा ना तो ये नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया है जो पूरा बर्फ जम चुका है। ये देखिए ये स्नोफॉल वाला बर्फ नहीं है, ये पानी से जो जमने वाला बर्फ है ना वो वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है जहाँ से पानी नीचे से गुजर रहा है।
बर्फ देखें और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं इसके ऊपर पत्थर भी मारूंगा ना तो ये बर्फ नहीं टूटेगा। ये देखें इतना बड़ा पत्थर मैंने उठाए हैं, अभी आप देखते रहे कितना मजबूत बर्फ है। अच्छा यहाँ से जो है ना रास्ता है तो बर्फ़ बना हुआ है ना, तो इसलिए जो है ना पाँव फिसल जाते हैं यहाँ से। तो लोगों ने यहाँ पे मिट्टी बिट्टी डाल के जो है ना थोड़ा सा मतलब बर्फ़ तोड़ के यहाँ से जाने का जगह बनाया हुआ है। अभी भी आवाज़ आ रही है, नीचे पूरा बर्फ़ है, ऊपर मिट्टी है और हर जगह बर्फ़ बनना शुरू हो गए। ये कितना मजबूत बर्फ़ है, ये देखिए अभी मैं बर्फ़ के ऊपर से ही गुजर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें, ये पुल जो है ना बना हुआ है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है ना कितना पानी नीचे गुजर जाता है। लेकिन अभी बर्फ़ बना हुआ है, ये पुल जो है ना इसी वजह से लगाएं ताकि लोग जो है ना इसके ऊपर से इसको आर पार कर सके। लेकिन अभी देखें बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई पानी होता ही नहीं है, ऐसे बर्फ़ जम गए हैं। गर्मियों में जो है ना इतने ऊपर तक पानी आ जाते हैं, पुल का जो है ना थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है इसमें से। ये देखें, ये देखिए पानी बर्फ, पूरा नाला जो है ना बर्फ बन चुका है अब। अच्छा एक यहाँ पे जो है ना हमारे गांव का चश्मा भी है, यहाँ पे ये जो पानी ऊपर से आते हैं ना ये बिल्कुल बर्फ़ बन जाते हैं, लेकिन जो चश्मे का पानी होता है ना वो सर्दियों में गर्म हो जाते हैं और गर्मियों में जो है ना वो ठंडा हो जाते हैं। तो अभी वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, लेकिन वो जो चश्मे का पानी है ना वो अभी भी रवानदवा है। यहाँ देखें ये मैं चश्मे के ऊपर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे पानी देखें बिल्कुल ऐसा लगता है कि गर्मियों वाला जो है ना मौसम चल रहा हो, क्योंकि कहीं पे भी थोड़ा सा भी बर्फ़ नहीं है। यहाँ पर किसी ने अपने गाय को यहाँ पर छोड़ा हुआ है और ये आप देखते जाएँ, ये जाके जो है ना अभी मैंने नाले का आपको वो पानी बर्फ दिखाया था ना ये वहीं पे मिलते हैं, तो आप चेक कर लें। मतलब कुदरत का निज़ाम देखें, एक पानी ऐसा है जो पूरा सालों साल जो है ना चलता रहता है, लेकिन ये वाला जो पानी है चश्मे का ये गर्मियों में ठंड लगते हैं और सर्दियों में ये गर्म लगते हैं। ये देखें ये यहीं से गुजरते गुजरते ये टंकी जो बने हुए ना यहाँ से गाँव के हर घर में पानी जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ से पानी एक दूसरे से मिल रहा है। और ये ऊपर नाले का पूरा बर्फ बन चुका है, लेकिन ये अभी पानी चल रहा है। अब मैं गांव की गलियों के अंदर आया हूँ और गलियाँ जो है ना गांव की कुछ इस तरह अभी भी अंधेरा है। ये देखिए और ये हमारे गांव के जो है ना जनरल स्टोर है, बच्चा जो है ना यहाँ पे सामान लेने के लाए हैं। दुकानदार देखें, यहाँ के दुकानदार इस तरह होते हैं। ये देखिए गलू होता है।